हैप्पी धनतेरस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड फिटनेस। मैं हूँ किरण। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे धनतेरस पर दीप जलाना क्यों जरूरी होता है, क्या इस दिन दीप जलाने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और इसे कैसे जलाया जाता है, ये जानना बहुत जरूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में दीपावली का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। हमारे देश में सर्वाधिक धूमधाम से मनाए जाने वाले त्यौहार दीपावली का प्रारंभ धनतेरस से हो जाता है। धनतेरस छोटी दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन कोई भी सामान लेना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस साल यानी 2019 में धनतेरस 25 अक्टूबर को है। धनतेरस के दिन की सबसे बड़ी मान्यता ये है कि इस दिन की गई पूजा से व्यक्ति यम के द्वारा दी जाने वाली यातनाओं से मुक्त हो जाता है। हिंदू धर्म में धनतेरस यश, वैभव, कीर्ति, सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस की शाम को दीपदान किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से यमराज प्रसन्न होते हैं और इससे व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती। लेकिन इस दिन दीप जलाने का तरीका आम दिनों से अलग होता है। आइए जानते हैं यम का दिया जलाने का तरीका। वैसे तो धनतेरस की शाम को घर के मुख्य द्वार पर और घर के अंदर 13-13 दिए जलाए जाते हैं। ये काम सूरज डूबने के बाद किया जाता है। लेकिन यम का दिया परिवार के सब सदस्य घर आ जाने और खाने पीने के बाद सोते समय जलाया जाता है। इस दीप को जलाने के लिए पुराने दीप का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें सरसों का तेल डालें और रुई की बत्ती बनाएं, घर से दीप जलाकर लाएं और घर से बाहर दक्षिण की ओर मुख करके नाली या कूड़े के ढेर के पास रख दें। साथ में जल भी चढ़ाएं और बिना उस दीप को देखे घर आ जाएं। धनतेरस का दीप दान घर की लक्ष्मी को करना होता है। इस दिन किसी भी धातु के बर्तन खरीदें और उस दिन उसमें मिठाई डालकर ही घर में प्रवेश करें और धनवंतरी, कुबेर और गणेश लक्ष्मी को भोग लगाएं। ऐसा करने से घर के लोग रोग और विपताओं से दूर रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन सोने, चांदी या पीतल के बर्तन खरीदने से घर में सौभाग्य, सुख, शांति और स्वास्थ्य का वास होता है। पीतल भगवान धन्वंतरी का धातु है, इसलिए पीले रंग के धातु इस दिन खरीदना शुभ माना जाता है। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है धनतेरस पर दीप जलाने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप अपनी इंग्लिश की वर्ड पावर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को विजिट करना ना भूलें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज की इंफॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना मत भूलना और मेरी वीडियो को करना है ढेर सारा लाइक और शेयर और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।